ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि 10 तारीख को होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस बात की संभावना है कि कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। वहीं रविंद्र चौबे ने भी 15 अगस्त से पहले पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की संभावना जताई है। ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि 9 अगस्त को राष्ट्रीय महासचिवों और विभागों के अध्यक्ष की बैठक बुलाई गई है, हालांकि दोनों बैठकों का एजेंडा अभी तय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस बीच राहुल गांधी सभी आवश्यक काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली में जो ये स्थिति है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। सीडब्ल्यूसी की प्राइमरी कल जो बैठक हुई है उसमें कुछ चर्चा हुई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 15 अगस्त के पहले कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाएंगे और निश्चित रूप से जो 2-3 महीना अभी बीच का माननीय राहुल जी के इस्तीफे के बाद की जो परिस्थितियां थी वो दूर हो जाएंगी। नहीं, सीडब्ल्यूसी की बैठक 10 तारीख को है, उसके लिए जाऊंगा मैं 9 तारीख को। कल अचानक सीडब्ल्यूसी की बैठक आहूत की गई थी 11 बजे, लेकिन मैं उसमें पहुंच नहीं पाया, इसलिए कल के एजेंडा जो हुआ उसकी जानकारी नहीं है। और 10 तारीख को जो सीडब्ल्यूसी है उसमें जरूरी रहूंगा। अभी ऐसा कोई चर्चा नहीं है, लेकिन 10 को सीडब्ल्यूसी की बैठक है, मुझे लगता है उसमें कुछ निर्णय होगा।